अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, मैं हूँ इम्सास चैनल से कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ। आज के नए दिन के साथ नया ब्लॉग बनाते हुए आपकी खिदमत में हाजिर। यहाँ सुबह सुबह मैंने ओटमील अपने हस्बैंड को बना के दिया और वो अपनी शुगर चेक कर रहे थे जो कि बहुत हाई हुई हुई थी। हालांकि खाया तो खैर उन्होंने कुछ भी नहीं था ऐसा, क्योंकि दलिया ही खाया था। शायद दवाइयों की वजह से उनकी शुगर जो है हाई हुई हुई थी। बस उनको नाश्ता दे के मैंने चूल्हे पे चाय चढ़ा ली, जो हमारा रोज़ की रूटीन है कि सुबह नमाज पढ़ो, उसके बाद चाय बना लो। और जो है चाय बना के ये देखे जी, मैंने चाय चढ़ा ली है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने कहा मैंने चाय नहीं पीनी आज, उनकी तबीयत नहीं चाह रही थी। तो हमारी यहाँ चाय तैयार है, बस अब इनको कपों में डालेंगे और नाश्ता करेंगे। साथ साथ मैंने अब चाय बनाने के साथ मैंने अंडे बॉयल कर लिए हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो सोचा चलो सब एक एक अंडा ही खा लेते हैं। तो बहरहाल उसके साथ ही मैंने अपनी ब्रेड को टोस्ट कर लिया और साथ में ये देखे मैंने इसके ऊपर पीनट बटर लगा लिया है। ये जी मैंने साथ ही मैं अपने ब्रेड के साथ अपना बॉयल एग रख लिया और अपनी चाय रख ली। तो फिर ये दोपहर का वक़्त हो गया था, तकरीबन 12-1 बज रहे थे और मैं यहाँ पर आराम कर रहे और मेरे मियाँ साहब जो वो अंदर कमरे में बिस्तर पे लेटे हुए हैं, क्योंकि उनका सीधा हाथ जो है उसके उधर से उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। तो मुझे डर है कि कहीं उनको मैं सोते में हाथ ना लग जाए, तो उनको मैंने इसलिए वहाँ लिटाया हुआ है बेड पे और ख़ुद मैं यहाँ सोफे पे सारी रात सोई हूँ। और ये देखें मेरी नाक बंद थी, जिसकी वजह से मैंने ये दो तकिया, गद्दी और तकिया दोनों रखे हुए थे। तक तो घर जो है वो इस वक्त गंदा पड़ा हुआ है और मुझे सफाई नहीं हो रही है। वो कपड़े धोने वाले टोकरी के अंदर डाल के मैंने सोफे पर रखे हुए हैं। तो ये हशर है इस वक्त घर का, जो ये मेरा बेटा नहा धो के जब सुबह जॉब पे गया तो तौलियाँ यहाँ डाल दिया, क्योंकि हमारे घरों में कपड़े सुखाने के लिए कोई जगह नहीं होती, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर सोफे पे ही कपड़े डालना पड़ते हैं। इसीलिए हम जब कपड़े धोते हैं तो उसमें ड्रायर में अच्छी तरह से सुखा कर लेकर आते हैं, ताकि तय करें और बस इस्त्री करें और हैंगरों में लटका के सीधे सीधे अलमारियों के अंदर रख दिया जाए। मैं तो इस्त्री भी नहीं करती हूँ, जब पहनना होते हैं तब कर लेती हूँ। तो यही काफ़ी काम हो जाता है, उनको ड्रायर से निकाल के लाओ, फिर हैंगरों में डालो और जिस जिस की है उस उसकी अलमारी में जो तय करके रखने हैं वो तय करके रखो। तो अभी मैंने इस दफ़ा जो है कपड़े संडे को नहीं धोए हैं, हम तो हमेशा संडे को ही धोते हैं। तो जो है ना वो ये देख लीजिए, ये हशर हुआ हुआ है हमारे घर का, तो हमेशा से साफ नहीं होता है क्योंकि बसते घरों में गंद तो पड़ता ही है। तो बस ये और यहाँ मैं उठकर वैक्यूम लगाने लग गई, क्योंकि मुझे था कोई मेहमान ना आ जाए तो चलो घर को ही साफ़ कर लो। तो ये 2:30 बजे मैंने घर साफ़ किया है, तो मैंने वैक्यूम लगा लिया पूरे घर का और साथ साथ डस्टिंग कर ली। अब ये मैं लगी हूँ रात का खाना बनाने। मैंने लिया है मटन, ये 3 पाउंड हमारा मटन है और इसमें मैंने 2 प्याजें चॉप करके डाल दी हैं। साथ मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन डाला है पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून ही अदरक डाला है पिसा हुआ। अब मैं इसमें डालूंगी अपने मिर्च मसाले, ठीक है। मैंने इसमें नमक डाल दिया, नमक जो है वो 2 टेस्ट है। और ये मैंने अपना इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाल दी और ये मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। ये मैं डालूंगी 1/4, ये देखिए 1/4, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और मैं डालूंगी 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर और अच्छा, और मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, वो मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून, ठीक है। ओह बस, एक तो गिरना गिरना भी बहुत होता है ना,
ये मैंने हाफ टी स्पून डाली है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं डालूंगी इसमें, और कुछ नहीं डालना है, बस डल गया, इतने मसाले बहुत हैं। और इसमें मैंने ना हाफ कप पानी डाला है, अब गोश्त ने भी पानी छोड़ना है, तो इसमें इतना ही पानी काफी है। मैं इसे हीट दूंगी कुकर बंद करके, मैं अपना इंस्टेंट पॉट बंद कर दूंगी, और अब मैं इसको, ये मैं लगी हूँ इसको कुकर पे लगाने, और मैं इसे 5 मिनट पर ही रहने दूंगी। ये 5 मिनट में गोश्त जितना गल जाएगा, उसके बाद इसको फिर हम भून लेंगे। कुकर ऑफ हो गया है, तो मैंने कहा इसको मैं इसकी हीट को ओपन कर दूँ, इसकी वेट को, तो क्योंकि मैं कुकर चढ़ा के तो नहाने चली गई थी, तो अब मैं आई हूँ तो ये बंद हो चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और हम फिर इसको भून लेंगे। मैंने कपड़े डाल दिए थे साथ साथ नहाने जाने से पहले, मैंने कहा कपड़े भी धोने के लिए डाल दूँ, तो ये बस ये कपड़े, क्योंकि मेरे बेटे को अपना यूनिफॉर्म चाहिए था, तो मैंने कहा चलो आज मैं कपड़े ही धो लूँ। ये मैंने सेकंड पूल डाल दिया है, और इसमें मैंने सॉक्स और बच्चों के अंडरगार्मेंट्स डाल दिए हैं, ताकि उनके सॉटी पे रखा हुआ है अपनी, और ये हॉट पे रखा हुआ है ताकि हॉट वाटर आए, और हैवी ड्यूटी पे रखा हुआ है, और हैवी ड्यूटी इधर से भी इसको मैंने कर दिया है, और मैं इसको स्टार्ट करूँगी। इसको 3-4 सेकंड के लिए पुश करना होता है, और ये स्टार्ट हो गई। ये हमारी जो ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसने इजीली कपड़े पानी गोश्त को सोटे पे लगा दिया है, और ये 30 मिनट पे स्टार्ट हो गया है। ये मैंने इसको 30 मिनट पे सेट किया हुआ है। अब मैं इसमें को भूनूंगी इसी में ही, देखते हैं। पानी तो लगता है ठीक ठाक छोड़ दिया है गोश्त ने, और प्याज भी फ्रीज थी, तो जाहिर सी बात है पानी मुझे लगता है ज़्यादा हो गया है। और अभी मैंने इसमें टमाटर भी डालने हैं, तो मैं टमाटरों की जगह इसमें डालूंगी टोमेटो प्योरी। ये तकरीबन हाफ कप के करीब डालूंगी, अभी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ ताकि पानी जो है खुश्क हो जाए, उसके बाद फिर मैं जी ये हो गया। अब मैं इसको, पानी तो ऐसे छोड़ दिया है गोश्त ने, हालांकि मैंने सिर्फ हाफ कप डाला था, और ठीक ठाक पानी छोड़ दिया। ये तो इंस्टेंट कुकर में खुश्क होने वाला ही नहीं है, तो मैं ये लो पे है, मैं इसको हाई पे करती हूँ, तो मैंने इसकी जो है ना हाई पे इसको कर दिया। ये लो पे था, ये मैंने हाई पे कर दिया है, ताकि ये पानी जो है वो तेज़ी से खुश्क हो जाए। ये देखें कितना पानी छोड़ दिया है गोश्त ने भी, और मैंने हाफ कप डाला था, इसमें पानी डालना ही नहीं चाहिए था। चलिए अभी गोश्त गला नहीं है, क्योंकि ये देखें अभी सही से टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसको, मेरा ख्याल है दूसरे पतीले में इसका लूँ, अभी देखते हैं, अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर मैं इसको दूसरे पतीले में, उधर दूसरे चूल्हे पे सुखा लूँगी, पतीले में डाल। मैंने यही किया है कि मैंने यहाँ से पानी निकाल लिया है गोश्त में से, वो जितना ज़्यादा था वो मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है उधर चूल्हे पे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इधर डाल के रख दिया ताकि ये फटाफट से हो जाए, भुन जाए, इतना टाइम ना लगे इसको, तो ये मैं इसको इधर भून लूँगी। मुझसे तो ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं हो जाता, मुझे बड़ी उलझन होती है, मैं इस तरह से फिर अगर कभी ऐसे गलती से पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं ऐसे जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, तो भाई फटाफट खड़ा पक जाए, ज़्यादा देर खड़े होने से जल्दी देता है। ये इसका पानी जल्दी ही सूख गया है, सिर्फ 5-6 मिनट लगे हैं, और ये तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो गया है, और उधर का दिखाऊँ तो वहाँ भी पानी खुश्क हो चुका है। ये देखें इधर भी पानी खुश्क हो गया है, ये भी भुन रहा है, तो जगह नीचे स्टैंड के पैरों को सेट होने की, तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, तो अच्छा खासा भुन गया है, और ऑयल मैंने डाला ही कम है, तो बस अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, और साथ ही अब हम इसमें अपना ये वाला मसाला भी डाल लेंगे, ताकि बस अब एक साथ ये सारा भुन जाए, क्योंकि पानी जो है वो सारा खुश्क हो गया है, तो बाज़ वक़्त हो जाता है पानी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हालांकि मैंने सिर्फ हाफ कप ही डाला था, लेकिन जो है ना गोश्त ने बहुत पानी छोड़ दिया। बन रहा है सालन इतना शानदार, मैंने ये दो आलू छील लिए हैं, ये मैं इसमें काट के डाल दूँगी, ताकि ये साथ साथ आलू गल जाए, ठीक है।
मेरे आलू कट के बन गए। ज़्यादा बड़े इसलिए नहीं कर रही कि गोश्त अच्छा वाला गला हुआ है, और इनको अगर मैंने बड़ा पीस काट के डाला तो फिर वो ये होगा कि इनको गलने में टाइम लगेगा, इस तरह टाइम नहीं लगेगा। और गोश्त में जो थोड़ा बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाएगी और साथ साथ आलू भी गल जाएंगे तो गोश्त टूटेगा भी नहीं। ये देखें बोटियाँ कितनी अच्छी से, ये टेंडर तो हुई है लेकिन अभी थोड़ा सा आई थिंक तंग है, बस इसमें थोड़ी सी कसर है, गल तो गया। चलिए अब हम इसको कुकर को पानी डाल के दोबारा से पानी डाल दिया, तकरीबन हाफ कप मैंने पहले डाल दिया था भूनने के बाद, फिर मैंने आलू डाल दिए, दो अदद आलू डाले, और अब मैंने इसमें एक कप पानी डाला है, मैं पानी और डालूंगी क्योंकि मुझे चाहिए ग्रेवी। और बच्चों ने कहा है कि हम चाय, मैंने अब इसमें हरी मिर्चें डाल देती हूँ, चार अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसके साथ ही मैं कुकर को करती हूँ बंद, ये मैंने इसका वेट जो है वो भी मैंने कर दिया है, इस तरफ ओपन होता है इस तरफ ऑफ होता है। और अब मैं इसे लगाऊंगी कुकर के ऊपर क्योंकि सोटे वाला जो है वो ऑफ हो गया है, और ये है हमारा कुकर का, यह मैंने ऑन कर दिया, 5 मिनट बहुत है, गोश्त भी गल जाएगा और आलू भी हो जाएंगे, जो कसर रह गई है गोश्त में वो अब पूरी हो जाएगी। हमारा कुकर जो है वो ऑफ हो गया है तो अब हम इसकी हीट को ओपन करते हैं। एग्जॉस्ट के नीचे रखा है ताकि एग्जॉस्ट फैन इसकी जो स्टीम निकल रही है वो एग्जॉस्ट के साथ बाहर एग्जॉस्ट हो जाए। चलिए अब कुकर खोल लेते हैं, देखते हैं। ले लें जी, इतना शानदार आलू गोश्त तैयार है, देखिए जी ये हमारा आलू गोश्त तैयार है। इसका फाइनल टच देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने साथ बूंदियाँ बना ली थी और बस इसको मैं तो रोटी के साथ खाऊंगी, रोटी सालन, जबकि बच्चों की फरमाइश है उबले हुए। ये सॉक्स वगैरह भी धुल गए हैं, हमने डाल दिए ड्रायर में। अब जो है मैंने तौलिए डाल दिए, अब तौलियों को धो लेंगे। ये देखें जी कपड़े बिल्कुल सूख के साफ सुथरे हो गए हैं, धुल के सुखा सूख के सब जो है ना, बस अब इनको तय किया जाएगा और तय करके इनको अलमारियों में रख दिया। तो बाहर तो तूफान आया हुआ है बर्फ का, और ठीक ठाक बर्फ पड़ गई है, बताओ इतने तूफान आ रहा है। गाड़ी अंदर ही खड़ी है, गाड़ी को बाहर खड़े कर लो। तक बर्फ ही बर्फ है। चलिए हम अपनी मेल देख कर आते हैं, आज हमें अपनी मेल देखनी है, साथ साथ आपको हम बर्फ का तूफान भी दिखा रहे हैं। देखें किस तरह से रोशनी के साथ गिरती हुई नजर आ रही है बर्फ, और पैर जो हैं वो स्लिप हो रहे हैं, चला नहीं जा रहा है बर्फ में। जूते देखे ना कितने ऊंचे ऊंचे पहने हैं ठंड के मारे। वैसे अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, अभी 0 डिग्री पे है, और फील लाइक जो है वो आई थिंक 6 है या माइनस। ये देखे बर्फ उड़ती हुई दिखाई दे रही है आपको हवा के साथ। सफेद सफेद हो गया, तो बर्फ दिखाई दे रही होगी आपको। अच्छा मेरे हाथ जो है वो चंगे भले फ्रीज हो गए। अच्छा जी ये लें देखें कितनी बर्फ है ना, मुझे भी शौक चढ़ा, मैंने कहा मैं बाहर निकलूं
क्योंकि मैं कभी नहीं निकलती हूँ इस तरह तूफान में। ये मैंने अपने बेटे से कहा, आते वक्त तूफान में थोड़ी सी वीडियो बना लो, जिस पे वो नाराज़ भी हुआ। यहीं हम अपना व्लॉग बंद करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।